नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 24 सितंबर और दिन है शनिवार। आज तक के गंगा के घाटों पर क्या स्थिति है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि गंगा का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं मीर घाट से। ये आप देख रहे हैं, मैं मीर घाट के बगल में स्थित त्रिपुर भैरवी घाट के ऊपर छत से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ से पहली बार मैं ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है गंगा नदी का। और सामने आप देख रहे हैं टेरेस, जहाँ से मैं आपको अगली बार कुछ देर में वीडियो वहाँ से भी मैं आपको शूट करूँगा। मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं टेरेस, मीर घाट पर स्थित है और काफ़ी खूबसूरत वहाँ से गंगा का दृश्य दिखाई देता है। और ये आप देख रहे हैं गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा दिख रहा है मुझे कि आज चार दिन की अपेक्षा आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, त्रिपुर भैरवी घाट के ऊपर से ये दृश्य मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं मीर घाट के पास और वहाँ से मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं सभी दृश्य त्रिपुर भैरवी घाट के ऊपर से, और नाव का संचालन पूरी तरीके से बंद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी नावें घाट के किनारे खड़ी हैं और गंगा के नदी में कोई भी जो है आपको नौकायन करता हुआ नहीं मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग, जहाँ से ऊपर छत पर मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखा रहा हूँ। सामने आ गए हैं मीर घाट, ये दृश्य आप देख रहे हैं मीर घाट। तो चलिए टेरेस के कोने से वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। छत देख रहे हैं, वहाँ से मैंने आपको दृश्य अभी कुछ देर पहले दिखाया। और ये यहाँ आ गए हैं हम मीर घाट के पास। दोस्तों वाराणसी विजिट अगर आप करना चाह रहे हैं तो अभी भी वाराणस में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और सभी घाट एक दूसरे से टूटे हुए हैं। तो बनारस में आप आएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर और बाहरी भाग कि घूम सकते हैं, बाकी बनारस के घाट आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना गंगा के जल स्तर घटने पर आता। ये देख रहे हैं टेरिस से गंगा व्यू, काफी शांत गंगा नदी। और सामने आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू, पूरी तरीके से बंद है गंगा द्वार। और ये इस तरफ आप देखेंगे मीर घाट। ये देख रहे हैं आप मीर घाट का दृश्य। इधर आप देखेंगे दोस्तों विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। ये साउथ के दर्शनार्थी काफी आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने। अम्मा गाज अलाउड ले उ चेक पर देखो सामने में प्रवेश द्वार विश्वनाथ मंदिर। चलिए चले कॉरिडोर की तरफ, गली से हम आ गए हैं गेट नंबर दो की तरफ। सामने आप देख रहे हैं गेट नंबर दो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
और मंदिर जाने का रास्ता। हम आ गए हैं कॉरिडोर के अंदर, गेट नंबर 2 के बगल से रास्ता है कॉरिडोर के अंदर आने का, और ये सामने आप आएंगे तो देखेंगे गेट नंबर 1। यहाँ तक आप मोबाइल अपना लेके आ सकते हैं, लैपटॉप लेके आ सकते हैं, और यहाँ फोटोग्राफी करके गेट नंबर 1 से आगे आप बढ़ेंगे तो गंगा द्वार की तरफ, और वहाँ पर आपको मोबाइल रखने का लॉकर दिया हुआ है, सुविधा दिया हुआ है। ये आप परिसर का दृश्य पूरा देख रहे हैं, सामने आप रास्ता देख रहे हैं घृणेश्वर भवन के ठीक आगे से, वहाँ से मैंने प्रवेश किया अंदर मोबाइल लेकर, और ये परिसर के अंदर मैं आ गया। और ये गेट नंबर 1, यहाँ पर आपको अंदर प्रवेश करेंगे बिना मोबाइल के, आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अब दर्शन करके इसी गेट से वापस आइए और अपना मोबाइल लेकर चले जाइए। ये गेट नंबर 1, सामने आप जाएंगे देखेंगे ये पुराने मंदिर जिनका जीर्णोद्धार किया गया था, अब कंप्लीट हो चुका है। और इसी के ठीक सामने में आपका बैद्यनाथ भवन है, मुमुक्ष भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं इन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करके नया कर दिया गया है। काफी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं बैद्यनाथ भवन, मुमुक्ष भवन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग अपनी अंतिम इच्छा के समय काशी में मुक्ति पाना चाहते हैं वो मुमुक्ष भवन में आके रुक सकते हैं। और यहाँ आगे आप आएंगे तो देखेंगे कॉरिडोर के बाहर मणिकर्णिका गली, मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, और इस तरफ आप देखेंगे तो अमृतेश्वर महादेव मंदिर और शौचालय। चलिए आपको ले चलते हैं गणेश मंदिर, वहाँ गणेश जी के दर्शन करा के फिर आगे आपको दृश्य दिखाते हैं। इधर हम आ गए हैं गणेश मंदिर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए अब आने लगे हैं, काफी श्रद्धालु, विदेशी श्रद्धालु। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं गणेश जी के, ये पुजारी जी हैं आके। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेस 2 में स्थित गंगा द्वार, और श्रद्धालु गंगा दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात माँ गंगा के दर्शन करने के लिए गंगा द्वार के पास जाते हुए, ये आप देख रहे हैं गंगा द्वार का दृश्य। चलिए हम भी चलते हैं गंगा व्यू गैलरी की तरफ और वहां से आपको दृश्य दिखाते हैं नीचे। ये आप आ गए हैं गंगा व्यू गैलरी, और आज देख रहे हैं गंगा व्यू गैलरी में काफी दर्शनार्थी यहाँ से माँ गंगा का दर्शन करते हुए और मणिकर्णिका घाट को देखते हुए, समझते हुए मणिकर्णिका घाट, काफी लोगों की मणिकर्णिका घाट में जाने की दिलचस्पी रहती है, और वो यहाँ से जलते हुए शवों को देखते हैं और जिंदगी की सच्चाई जो है उसे समझने का प्रयास करते हैं।
सामने हम गंगा व्यू गैलरी से गंगा द्वार का दृश्य देख रहे हैं और इस तरफ आप देखेंगे सामने ललिता घाट पूरी तरीके से सुनसान, सिर्फ ऊपर से ही लोग नीचे का दर्शन कर सकते हैं सामने का माँ गंगा को। ये देख रहे हैं आप इस तरफ सामने की तरफ आप देख रहे हैं सभी मणिकर्णिका घाट की तरफ देखते हुए। एक बार फिर आपको मैं गंगा द्वार की तरफ का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ गंगा व्यू गैलरी से। देख रहे हैं अभी भी पूरी तरीके से जलमग्न और ये गंगा द्वार की तरफ का दृश्य आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और ये आप देख रहे हैं गंगा व्यू गैलरी से ही मणिकर्णिका घाट का दृश्य जहाँ पर घाट पूरी तरीके से जलमग्न और जो नीचे शवदाह संपन्न किया जा रहा था अब ये छत पर ही किया जा रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये मणिकर्णिका घाट पर स्थित छत पर और नीचे आप देख रहे हैं वहाँ शमशान नाथ का मंदिर पूरी तरीके से नीचे जलमग्न और घाट गंगा के जल स्तर में डूबा हुआ। ये आप देख रहे हैं दूसरे एंगल से मणिकर्णिका घाट जहाँ पर छत पर काफी भीड़ और शवदाह कार्यक्रम छत पर ही संपन्न किया जा रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया आपको पूरी तरीके से जलमग्न और जितने भी प्लेटफॉर्म बने थे शवदाह के लिए सभी जलमग्न। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हैं गंगा व्यू गैलरी यहाँ किस प्रकार लोग माँ गंगा और मणिकर्णिका का दर्शन करते हैं यहीं से। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। हर हर महादेव।